हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली में इंटरकास्ट इंटर रिलीजन कोर्ट मैरिज के लिए क्या प्रोसेस है, कोर्ट मैरिज करने के लिए कितनी एज चाहिए होती है, किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कितना टाइम लगता है कोर्ट मैरिज करने में और कोर्ट मैरिज की क्या फीस होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब है यानी दोनों की सेम कास्ट है, यानी दोनों हिंदू हैं मगर हिंदू में ही अलग अलग जाति के मानने वाले हैं, तो उनको इंटरकास्ट कहते हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कपल कॉल करते हैं, होते हिंदू मुस्लिम है या मुस्लिम क्रिश्चियन है, बोलते हैं सर हमें इंटरकास्ट मैरिज करनी, वह इंटरकास्ट नहीं, वह इंटर रिलीजन मैरिज कहलाता है। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज का क्या प्रोसेस होता है। इंटरकास्ट इंटरकास्ट मैरिज यानी दोनों हिंदू हैं या दोनों मुस्लिम हैं, दोनों ही क्रिश्चियन हैं, तो इजीली आप दिल्ली में अपना मैरिज करा सकते हैं, जिसके लिए गर्ल की जब 18 ईयर ही है। यह वीडियो अपडेट है 2023 में कोर्ट मैरिज और मैरिज की एज को लेकर के, तो लड़कियों की 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, बॉय की एज पहले से 21 साल है, यानी भी लड़कियों की एज 18 ही है, इसको 21 नहीं किया गया है। बहुत ज्यादा रूमर्स हैं कि लड़कियों की एज बढ़ गई है, सर मैं बिहार से हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, ऑल ओवर इंडिया भी लड़कियों के कोर्ट मैरिज या अरेंज मैरिज कैसी भी मैरिज करने के लिए 18 साल ही है। गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है, बिल लेकर आई है, मगर यह अभी कानून नहीं बना है। लड़कियों की 18 साल होनी चाहिए, लड़कों की 21 साल होनी चाहिए, इससे रिलेटेड उन दोनों के पास अपना कोई भी आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। कोर्ट मैरिज इंटरकास्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें केवल 2 विटनेसेज चाहिए होते हैं। विटनेसेज आपके पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, एनीवन कोई भी हो सकते हैं। विटनेसेज के लिए ना ही कोर्ट में ना ही कानून की किताब में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि फैमिली मेंबर विटनेस है तो ही आप मैरिज करा सकते हैं ना, विटनेस कोई भी हो सकता है। और इजीली यहाँ आपको, अगर आप दोनों हिंदू हैं तो डे 1 मैरिज होगी और डे 2 कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के दिल्ली गवर्नमेंट के पोर्टल पर आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी इजीली मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप दिल्ली के रहने वाले नहीं है, यानी आप दिल्ली के रेजिडेंट नहीं है, आप यहाँ पे केवल वर्किंग है, आप इंडिया के किसी अदर स्टेट के हैं या आप इंडिया के किसी अदर स्टेट में रहते हैं, आपके यहाँ पर 1 मंथ का या फैमिली को नोटिस का प्रोसीजर है कोर्ट मैरिज के लिए, तो आप इजीली इधर आकर भी अपना मैरिज करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास यहाँ का लोकल आईडी एड्रेस प्रूफ हो या आप यहाँ लिविंग हो या आप यहाँ कोई रेंट एग्रीमेंट देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रहने वाले हैं तब भी आप इजीली इधर आकर अपना मैरिज करा सकते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, डे 1 मैरिज होगी, डे 2 कोर्ट में रजिस्ट्रेशन शेड्यूल मिल जाएगा, मैरिज शेड्यूल मिलते ही आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ होते हैं, हो जाते हैं। इसके व्याप पर आप किसी भी लीगल पेपर वर्क को करा सकते हैं, या आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, फैमिली के अगेंस्ट जाकर के कर रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम करती है, तो इसके व्याप पर आप अपने स्टेट में जाकर पुलिस प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। दूसरा, आप इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के बात करें, इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के 2021 से 2023 यानी 2-3 साल से बहुत ज्यादा अफवाहें भी हैं, कुछ सच्चाई भी है और कुछ कपल को कन्फ्यूजन भी। कन्फ्यूजन इसलिए देखिएगा, मैरिज के लिए एज और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होगा, इसके लिए सेंट्रलाइज एक्ट चलता है, मगर मैरिज का क्या प्रोसेस होगा, कितना टाइम लेगा, इसके लिए स्टेट टू स्टेट ये रूल्स बदलते हैं। जिस स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करती है। तो जैसे कि अभी यूपी में अगर आप इंटर रिलीजन कपल हैं तो अगर आप मैरिज करना चाह रहे हैं तो पहले डीएम ऑफिस में परमिशन लेंगे या नोटिस जाएगा या कन्वर्जन नहीं कर सकते, है ना, तो इस तरीके का वहां पर अभी प्रॉब्लम है। और एमपी में भी इस तरीके का लॉ बना हुआ है, गुजरात में भी बना हुआ है, मगर सभी जगह नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर आपके स्टेट में इजिली मैरिज का लीगल प्रोसीजर नहीं आप करा पा रहे हैं तो आप किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में जाकर के अपना मैरिज करा सकते हैं। उसके लेके कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है, भले ही आप हिंदू मुस्लिम हो, भले ही आप किसी रिलीजन के मानने वाले हो, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, तब भी आप दिल्ली, देहरादून जैसे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में जाकर इजिली अपना मैरिज करा सकते हैं। मैरिज के लिए प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 1 डे में मैरिज और डे 2 कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप अपना मैरिज का हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हिंदू मुस्लिम है तो उसमें लड़के या लड़की जो भी नॉन हिंदू है उनका नाम चेंज होगा। चेंज होने का मतलब यह नहीं कि जो ओल्ड नेम है मुस्लिम नेम वो खत्म हो जाएगा, जी नहीं, तो उनका ओल्ड नेम है मुस्लिम नेम वह तो रहेगा रहेगा, साथ में एक ब्रैकेट में न्यू नेम आ जाएगा जो कि हिंदू नेम होगा। दूसरा, अगर आप अपने अपने रिलीजन में रहना चाहते हैं, अपना नाम चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी डे 1 मैरिज हो आर्य समाज में होगी और डे 2 जो उस मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा वह अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में कराएंगे। इस सिचुएशन में आप दोनों में से किसी का भी नाम चेंज नहीं होगा।
दोनों का जो हिंदू या मुस्लिम नेम है वही नेम रहेगा, क्योंकि हमने मैरिज जरूर है हिंदू इंस्टीट्यूशन में कराया, नहीं हिंदू की संस्था में की, मगर हमने उसका रजिस्ट्रेशन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में कराया, ना कि हिंदू मैरिज एक्ट में। इसको लेकर के काफी कन्फ्यूजन है, हमने कई बार ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट भी दिखाए हैं, अगर आप जाकर के नीचे वीडियो में जो लिंक दिए गए देखेंगे तो हमने ऑनलाइन कपल को भी बैठा करके इसमें क्वेरी बताई, मगर फिर भी बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है। तो उसके लिए मैं फिर दोबारा से मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर टॉप में इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं बॉय और गर्ल अलग अलग रिलीजन के हैं, इनकी शादी दिल्ली में हुई है और दिल्ली ने इनका अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन कर लिया है, दोनों में से किसी का भी नाम चेंज नहीं किया गया है। यह सर्टिफिकेट कंप्लीटली लीगल सर्टिफिकेट है, इसके व्याप पर आप लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं और इस मैरिज सर्टिफिकेट के व्याप पर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाकर के पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं। दूसरा सर्टिफिकेट जो देहरादून कोर्ट का है यह हिंदू मैरिज एक्ट का है, इसमें शादी हुई है इंटर रिलीजन कपल की, उस शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ, इसमें देख सकते हैं जो मुस्लिम है मुस्लिम नेम भी आया है और ब्रैकेट में न्यू नेम हिंदू नेम भी दिया गया है। दोनों ही प्रोसीजर कंप्लीटली लीगल प्रोसीजर है, दोनों ही सर्टिफिकेट की मान्यता सेम होती है, ऐसा नहीं कि किसी की ज्यादा होती किसी की कम होती, यह तो कपल की म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज कैसे कर सकते हैं। मैं दोबारा फिर से दो लाइन में खत्म कर देता हूँ। इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन आप कपल है और कहीं के भी रहने वाले हैं, आप समाज के प्रेशर में या फैमिली के प्रेशर में आकर के अपना मैरिज नहीं कर पा रहे अपने लोकल में, तो आप इजीली दिल्ली एनसीआर में अपना मैरिज करा सकते हैं विदाउट नोटिस विदाउट फैमिली विदाउट 30 डेज, इजीली आपका यहाँ पर मैरिज हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप डिस्कशन में जाकर के हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, उसका अक्सर हमारी टीम रिप्लाई देने की कोशिश करती है, या आप कोर्ट मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या आपकी कोई सीरियस इंक्वायरी है तो उसके लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।